हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बच्चों आप लोग? तो बच्चों, जेई मेंस के पेपर के सॉल्यूशन वो कर रहे हैं अपन। और आज के इस डिस्कशन में अपन 2021 में जो मार्च अटेम्प्ट था, सेकंड अटेम्प्ट जिसे कहा गया था, उसमें 17 मार्च को मॉर्निंग में जो शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट जो हुई थी, उसके अपन सॉल्यूशन लेके आए हैं। आपको ये पेपर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आइए बच्चों, फिजिक्स के सॉल्यूशन चालू करते हैं। 17 मार्च को जो 2021 में मॉर्निंग शिफ्ट थी, उसके सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेंगे आपको। चलिए बच्चों, पहला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन में आपको बोला गया है ट्रायंगुलर प्लेट दी गई है। बच्चों, एक ये ट्रायंगुलर प्लेट आपको दी गई है और फोर्स आपको दिया गया है। फोर्स दिया गया है 4i कैप माइनस 3j कैप, और ये पॉइंट पी पर लगाया जा रहा है। फोर्स कहाँ पर लगाया जा रहा है? पॉइंट पी पर ये फोर्स लगाया जा रहा है। तो टॉर्क, द टॉर्क एट पॉइंट पी विद रेस्पेक्ट टू पॉइंट ओ, अच्छा ओ के अबाउट तुम्हें टॉर्क निकालना है सबसे पहले, और फिर क्यू के अबाउट, है ना। तो ओ के अबाउट टॉर्क निकालना है, तो ओ पे अपन ने कील मान ली है। तो इस तरीके से ये डिस्टेंस अगर 10 दे रखी है, तो बच्चों इसके पॉइंट के कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के निर्देशांक या कोऑर्डिनेट तुम निकालने की कोशिश करना। ये एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, अगर ये 60 है तो 10 का इधर कंपोनेंट कितना आ जाएगा? 10 cos 60, यानी ये आ जाएगा 5, ठीक है। और ये कंपोनेंट आएगा 10 sin 60, यानी 10 रूट 3 बाई 2, यानी 5 रूट 3, यानी इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आएंगे 5, 5 रूट 3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट 5, 5 रूट 3 हैं। इसका मतलब अगर इस वेक्टर को हम बनाना चाहें, जिसको अगर आप r वेक्टर बोलो, तो ये जो r वेक्टर है, ये r वेक्टर बच्चों तुम्हें दिखेगा 5i कैप प्लस 5√3j कैप। ये r वेक्टर आ गया, है ना, o पॉइंट के लिए, o से p को जोड़ने वाला वेक्टर, op वेक्टर, ये r वेक्टर। और f वेक्टर, फोर्स वेक्टर तुम्हें दिया गया है, वो दिया गया है 4i कैप माइनस 3j कैप। तो इनका क्रॉस निकालना पड़ेगा बच्चों। टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। तो आर क्रॉस एफ निकालते हैं अपन। बताइए, सबसे पहले क्रॉस करना है, तो आई का क्रॉस आई के साथ करोगे, है ना। या तो डिटर्मिनेंट बना लो, या डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। 5i और 4i, है ना, इनका आई से आई क्रॉस करोगे, जीरो हो गया। अब आई का जे से क्रॉस करोगे, तो आई क्रॉस जे बच्चों कितना होता था? आई क्रॉस जे होता था के, लेकिन यहाँ पे माइनस है ही, तो माइनस के कैप में आपको दिखेगा 5, 3 जा 15, ठीक है। फिर ये आई को हमने मल्टीप्लाई कर लिया दोनों से, फिर 5√3j को मल्टीप्लाई करोगे अगर आई से, तो जे क्रॉस आई, बच्चों जे क्रॉस आई फिर से माइनस के हो जाएगा। माइनस के में तुम्हें वापस से क्या दिखेगा? 5, 4 जा 20√3, और जे क्रॉस जे कुछ आएगा नहीं, यानी ओ के अबाउट टॉर्क, टॉर्क अबाउट ओ आ रहा है, माइनस के कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो 15 प्लस 20√3 ये आ रहा है टॉर्क, ठीक है। तो माइनस के कैप में आ रहा है। अब मेरे को और कौन सा टॉर्क चाहिए? टॉर्क अबाउट क्यू और चाहिए, क्यू के अबाउट टॉर्क, वो और आपसे पूछा गया है। तो बताइए, क्यू के अबाउट टॉर्क चाहिए होगा, तो अब अपने को वेक्टर ऐसे बनाना पड़ेगा, इस तरीके से। इस बार ये आर वेक्टर आ जाएगा बच्चों। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट या निर्देशांक क्या आ जाएंगे? 10, 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये हमारे पास 5, 5√3 है ही। तो अब ये जो नया वेक्टर आएगा आर वेक्टर, ये कितना आने वाला है? हेड माइनस टेल अगर आप करते तो 5 − 10 i कैप, है ना। तो 5 − 10 मतलब −5 i कैप, और 5√3 − 0 अगर आप करोगे तो +5√3 j कैप। ये r वेक्टर है, और फोर्स वाला वेक्टर वो आपको दिया ही हुआ है 4i − 3j कैप, 4i − 3j कैप। वापस से टॉर्क अब निकालना पड़ेगा अपने को, और टॉर्क निकाल रहे हैं क्यू पॉइंट के लिए। तो टॉर्क क्यू पॉइंट के लिए अगर आप निकालते हो, तो बताइए कितना आएगा? आई को आई से क्रॉस करोगे, कुछ नहीं मिलेगा। आई को जे से क्रॉस करोगे, अब बच्चों ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, है ना। और 5 और 3 कितना हो गया? 15 के कैप, 15 के कैप। क्रॉस कैसे निकाल रहे हैं अपन? क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं।
आर क्रॉस एफ निकालना है ना, तो ये पहली टर्म को इससे क्रॉस किया, आई क्रॉस आई जीरो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और 5 3 15 के कैप आ गया। फिर जे क्रॉस आई करोगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस 20√3 के कैप, माइनस 20√3 के कैप, और जे क्रॉस जे आएगा नहीं। मतलब बच्चों क्यू के अबाउट टॉर्क, अगर मैं लिखूं तो दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि याद हो जाए आपको, समझ में आ जाए आपको, टॉर्क क्यू के अबाउट जो आ रहा है मेरे को यहां से, अगर मैं के कैप कॉमन ले लूं तो आंसर आ रहा है 15 - 20√3। तो एक आ रहा है 15 + 20√3, एक आ रहा है 15 - 20√3, लेकिन ये के कैप है, इधर माइनस के कैप है। अगर के कैप डायरेक्शन आप माने तो पहला आंसर आ जाएगा, मतलब माइनस को अंदर ले जाना, -15 - -20√3, तो -15 - -20√3 ये रहा, और दूसरा 15 - 20√3 ये रहा। फर्स्ट इस क्वेश्चन का अपने पास आंसर आ जाएगा। हमने के कैप नहीं लिखा है ऑप्शन में, के कैप अगर हटा दोगे आप तो के कैप हटाने के बाद जो भी कुछ दिखता है, के कैप हटाने के बाद माइनस अंदर चला गया तो -15 - -20√3, और दूसरा कितना आ जाएगा 15 - 20√3, यानी फर्स्ट इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। टॉर्क तुम्हें निकालना पड़ेगा, ठीक है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाल लोगे आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बताइए ये रहा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, 2 सोप बबल हैं रेडियस ए और बी के। देखिए एक सोप बबल है, इसकी रेडियस कितनी है ए, और ऐसे ही दूसरा सोप बबल आया, इसकी रेडियस कितनी हो गई बी। तो बच्चों इस इंटरफेस पर इसकी आपसे पूछी गई है कितनी रेडियस होगी। बच्चों सोप बबल का एक्सेस प्रेशर, अधिक दाब, वो होता है 4T/R, है ना। तो यहाँ पर इस साइड पर अगर मैं देखूँ तो इधर, अगर मैं कौन सा, चलो रेड कलर ले लेते हैं, इधर एक्सेस प्रेशर आ रहा होगा 4T/A का, और इधर एक्सेस प्रेशर आ रहा होगा 4T/B का। तो इस सरफेस का नेट प्रेशर डिफरेंस आता 4T/A - 4T/B, और एक सरफेस के लिए नेट एक्सेस प्रेशर 4T/R था ही हमारे पास। यहाँ से तुम 4T से 4T कैंसिल कर दोगे, 1/A - 1/B - 1/R आ जाएगा, यहाँ से B - A / AB, ये 1/R आ जाएगा, और R की वैल्यू AB / B - A आ जाएगी, AB / B - A, यानी इस सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, ज़रूर आपकी कॉपीज में आपको मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। और क्वेश्चन नंबर 3 हीट थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। बच्चों आपको दिया हुआ है 24 वाइब्रेशनल मोड्स, एक पॉली एटॉमिक गैस है जिसके 24 वाइब्रेशनल मोड्स हैं। बच्चों हर जो वाइब्रेशनल मोड होता है ना, उसके पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, तो 24 × 2 यानी 48। ये 2 कहाँ से आया है, हर वाइब्रेशनल मोड की 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है ना। तो 24 अगर वाइब्रेशनल मोड हैं तो 24 × 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम उसकी कितनी हो जाएगी, 48। ये वाइब्रेशनल के कारण डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, तो वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी। अच्छा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आ जाएगी बच्चों, चलने वाली प्लस घूमने वाली प्लस वाइब्रेशन के, यानी 54 आ जाएगी। ये 3 कैसे आया, पॉलीएटॉमिक गैस मान रखी है, तो पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस जो होती है वो तीनों डायरेक्शन, मान लीजिए वी शेप की पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर गैस है, तो ये तीनों डायरेक्शंस में चल सकती है XYZ। तो ये 3 तो ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, ये 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, और 48 कुल मिला के आ जाएगा, तो 54 आ जाएगा टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम। गामा की वैल्यू होती थी बच्चों 1 + 2/F, अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो गामा निकाल लो यहाँ से, गामा की वैल्यू आ जाएगी 1 + 2/54 या 1 + 1/27, 1 + 1/27 यानी कितना आ जाएगा,
28/27, 28/27 देखोगे तो 1 point something ही आंसर आएगा, 1.03 आंसर आ जाएगा, ये 1.03 आंसर आएगा, 1 के बहुत नज़दीक आएगा, 1.3 भी काफ़ी बड़ा हो गया, डेढ़ के लगभग आ गया, 3/2 से थोड़ा छोटा होना चाहिए था ना, तो 1.03 फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा, 1.03 तो यही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आ जाइए, बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ में इलेक्ट्रॉन है एंथ ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम में, इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। चलो इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो न्यूक्लियस की तरफ फोर्स लगाएगा, वो सेंट्रीपेटल फोर्स एम इंटू ए सी होता था, वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूला होता है, पता हो तो डायरेक्टली भी आ जाएगा, थोड़ा सा डेरिवेशन कर लो। फोर्स फोर्स लगता है बच्चों के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और एम वी स्क्वायर बाय आर। अब ये सब चीज़ों को तो छोड़ो, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, और याद होना चाहिए कि वी स्क्वायर 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। और रेडियस का खुद का फॉर्मूला कितना होता था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, 0.529 n² / z, z भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऊपर वी स्क्वायर दिख रहा है, नीचे एन स्क्वायर दिख रहा है, यानी वी और एन क्या हो जाएंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, छोटा मोटा डेरिवेशन भी कर सकते हैं अपन, वैसे ये रिजल्ट याद रहता है बच्चों को। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बताइए फिफ्थ क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का मास एम दिया हुआ है, फोटोन हैव सेम एनर्जी, तो फोटोन और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम है, रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ है ना, तो बताओ लैम्डा इलेक्ट्रॉन का, लैम्डा इलेक्ट्रॉन का होगा बच्चों एच बाई पी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ से, और एच बाई पी को आप √2mK या ई लिख सकते हो, ई एनर्जी होगी तो लैम्डा इलेक्ट्रॉन की। और लैम्डा फोटोन का कितना होगा, तो लैम्डा अगर फोटोन का चाहिए तो लैम्डा फोटोन का भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि फोटोन की एक ही इक्वेशन होती है, एनर्जी इक्वस टू एच सी बाय लैम्डा, ई इक्वस टू एच सी बाय लैम्डा, तो यहाँ से लैम्डा फोटोन का कितना आ जाएगा, एच सी अपॉन ई, लैम्डा फोटोन का कितना हो जाएगा, एच सी अपॉन ई। तो बच्चों आप इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, लैम्डा इलेक्ट्रॉन अपॉन लैम्डा फोटोन, ये आंसर आ जाएगा, एच से एच ये कैंसिल हो गया, और यहाँ से ई ऊपर आ जाएगा, तो ई ऊपर आने के बाद आ जाएगा ई अपॉन सी √2mE, ई अपॉन सी √2mE, यानी आंसर कितना आ जाएगा, 1/c तो वैसा ही रहेगा और √E/2m, 1/c √E/2m है ना, रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 1/c √E/2m सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर दिख रहा है, रूट को 1/2 लिख सकते हो, सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आराम से सॉल्व कर लो, काफ़ी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरीके से सॉल्व करें अपन जी ने। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिक्स क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, दो आइडेंटिकल मैटर वायर्स हैं K1 K2, इनको सीरीज में लगाया हुआ है बच्चों, तो एक वायर है और एक दूसरा वायर है, इनको सीरीज में लगाया हुआ है, कॉम्बिनेशन की इफेक्टिव आपको कंडक्टिविटी बतानी है। तो मान लो इस वायर की लेंथ एल थी, इस वायर की लेंथ एल थी, तो नया एक वायर मान लिया जिसकी लेंथ कितनी हो गई 2L, इनका एरिया ए था, इसका एरिया भी ए है, ये K1 था, ये K2 है, और नया K तुम्हें चाहिए, तो क्या यहाँ पे R1 प्लस R2 की वैल्यू R के बराबर लिखी जा सकती है, बिल्कुल लिखी जा सकती है क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। R की वैल्यू L/kA होती थी, तो L/k1A प्लस L/k2A, और यहाँ आ जाएगी 2L/kA, 2L/kA कैसे आ जाएगी थी, लेंथ टोटल इसकी कितनी दे रखी है, 2L दे रखी है, यहाँ से L/a ये कैंसिल हो जाएगा, और बाकी क्या रह जाएगा, 1/k1 प्लस 1/k2 इक्वस टू 2/k, 1/k1 प्लस 1/k2 इक्वस टू 2/k, यहाँ पे एलसीएम लोगे ऊपर क्या आ जाएगा, K1 प्लस K2, नीचे आ जाएगा K1 K2, और ये 2/k के बराबर है, तो
तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के की वैल्यू आ जाएगी, के ऊपर चला जाएगा, टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, के की वैल्यू आ जाएगी टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू, यानी कि सिक्स का आंसर फर्स्ट आ जाएगा, टू के वन के टू अपॉन के वन प्लस के टू। ठीक है, तो सिक्स क्वेश्चन का ये आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर सेवन्थ। अच्छा, वर्नियर स्केल के बारे में बोला गया है आपसे, बताइए वर्नियर स्केल जो है उसमें पॉजिटिव जीरो एरर दे रखी है। अच्छा, पॉजिटिव जीरो एरर का मतलब क्या है कि कुछ नहीं डाल रहे हो, है ना, जैसे आप कोई सामान खरीदने गए लेकिन जब कुछ नहीं है तब भी 2 किलोग्राम दिखा रहे हो, तो उसको पॉजिटिव एरर कहते हैं अपन, है ना। और ऐसे कॉमन सेंस बताओ, हम कुछ नहीं खरीद रहे तब भी तराजू 2 किलोग्राम दिखा रहे हैं, तो जब तराजू ने 4 किलोग्राम दिखाया होगा, तो 4 दिखाया इसका मतलब 2 तो वो खाली में भी दिखा रहा था, तो जब उसने 4 किलोग्राम दिखाया तो वास्तविकता में 4 माइनस 2 आपने कितना सामान लिया होगा, 2 किलोग्राम का ही। समझ में आ रहा है? मान लीजिए जब तराजू खाली होता तो उसमें 1 किलोग्राम दिखा रहा होता, वो एरर दिखा रहा होता, मतलब जीरो को भी 1 काउंट कर रहा है। अब आपने 3 किलोग्राम सामान खरीद लिया, उसमें दिखाया 3 किलोग्राम, तो भाई 1 किलोग्राम तो वो पहले ही दिखा रहा था, जीरो में ही दिखा रहा था, तो हमने अगर 3 किलोग्राम वहां पे दिख रहा है हमें रीडिंग, तो 3 माइनस 1 करना पड़ेगा। यानी याद रखना, जीरो रीडिंग का मतलब क्या होता है, जो भी आंसर आए, जीरो एरर का मतलब क्या है, जीरो एरर का मतलब है जो भी आंसर तुम्हारा आ रहा है उसमें से माइनस करना पड़ेगा तुम्हें ये जीरो एरर। ये माइनस इसलिए करना पड़ा क्योंकि जीरो एरर पॉजिटिव है, अगर जीरो एरर नेगेटिव होती तो हम जीरो एरर को क्या कर रहे होते, प्लस कर रहे होते। ठीक है, तो आपको ये याद करना है, सिंपल सा पॉइंट। अब बताइए हमें क्या बोला गया है कि मेजरमेंट किया गया, तो मेजरमेंट 8.5 से 8.6 तक आया था, वर्नियर कैलिपर इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आए। तो यहाँ पे 8.5 सेंटीमीटर की लाइन थी और यहाँ पे 8.6 सेंटीमीटर की लाइन थी, जो भी आपने मेजरमेंट किया वो कुछ इधर आ गया इतना, है ना, तो 8.5 से 8.6 के बीच में आया, मतलब 8.5 रीडिंग तो आपको मालूम है कि 8.5 तो बिल्कुल सही है, प्लस इसमें ये कितनी रीडिंग है यही तो पता लगाना है ना। और ये रीडिंग किसके बराबर होती थी, जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट। तो क्वेश्चन ने दिया हुआ है कि सिक्स्थ जो वर्नियर का मतलब कोइंसाइड कर रहा है सिक्स्थ डिवीजन, तो सिक्स्थ डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट इसका दिया है 0.01 0.01, तो यहां से हो जाएगा 8.5 प्लस 0.06 यानी 8.56, ये आंसर आया है, लेकिन जीरो एरर -0.2 -0.2। अच्छा, 0.2 मिलीमीटर दिया हुआ है, इसका मतलब 0.02 सेंटीमीटर, तो 8.56 में से 0.02 माइनस करोगे 8.54 सेंटीमीटर, 8.54 सेंटीमीटर, यही आंसर आ जाएगा। तो वर्नियर स्केल आपको अच्छे से आना चाहिए, यही उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8th क्वेश्चन आ गया बच्चों, बताइए 8th क्वेश्चन भी क्या बोला हुआ है, एसी करंट दिया हुआ है, हॉट वायर एमीटर। बच्चों हॉट वायर एमीटर मतलब एसी एमीटर है, एसी एमीटर क्या मेजर करता है, आरएमएस वैल्यू मेजर करता है, तो आरएमएस वैल्यू निकालनी है आपको इसकी, और कुछ नहीं कहा गया है। बताइए ये जो फंक्शन दिया गया है इसकी आरएमएस वैल्यू निकालनी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी पीक वैल्यू कितनी हो जाएगी, √i1² + i2² √i1² + i2², है ना, क्योंकि i की वैल्यू दे रखी है i1 sin ωt प्लस i2 cos ωt, ऐसे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती थी √a² + b² √i1² + i2², ये आई नॉट की वैल्यू आ गई, ये मैक्सिमम वैल्यू आ गई। बच्चों मैक्सिमम को √2 से डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगी हमारे पास, मैक्सिमम को √2 से डिवाइड कर दो, आरएमएस वैल्यू आ जाएगी, यही आंसर है। रूट के अंदर i1² + i2² / 2, रूट के अंदर i1² + i2² / 2, ये सेकंड ऑप्शन आएगा, प्रिंट नहीं हुआ है यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन यही है, रूट के अंदर i1²
प्लस आई टू स्क्वायर अपॉन रूट टू। जब आप पेपर डाउनलोड करेंगे उसमें मैं करेक्शन करवा दूंगा, ये प्रिंट आ जाएगा तो सेकंड ही इसका क्या आ जाएगा सही ऑप्शन, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस तो गलत हैं, इसका मतलब होना हो सेकंड ऑप्शन ही सही रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन, और इसमें बच्चों नाइन्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बताओ नाइन्थ क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नाइन्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है कि एक रेसिंग हो रही है, कार का मास एम है, फ्लैट, बच्चों फ्लैट सरफेस है ना, फ्लैट है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस पर आप बताइए कि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ फोर्सेस को हम क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। दूसरा, अगर सर्कल में घूमोगे, मान लीजिए इस तरीके का ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल है, तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है एम बी स्क्वायर बाय आर, बाहर की तरफ लगता है एम बी स्क्वायर बाय आर, और अंदर की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगना चाहिए, क्योंकि हमें याद है कि फ्लैट सरफेस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है, फ्रिक्शन। जब बहुत तेज़ी से आप घूमोगे तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्रीय बल आपको बाहर ले जाएगा, टायर बाहर जाना चाहेंगे तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अंदर की तरफ। तो हो ना हो म्यू एस इंटू एन की वैल्यू एम बी स्क्वायर बाय आर के बराबर होनी चाहिए। यहाँ से एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एम वी स्क्वायर बाय म्यू एस इंटू आर। फ्लैट सरफेस है और फ्रिक्शन दिख रहा था इसलिए हमने ये वैल्यू बोली। अब इसने क्या बोला है, देन मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव फोर्स लिफ्टिंग एफ एल एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन द कार। अब ये बताओ जब कार घूमेगी तो एम जी बी किधर लगेगा, नीचे, और इसने एक और बोला है एफ एल एक्टिंग डाउनवर्ड्स ऑन कार, एक और फोर्स लग रहा है एफ एल जो कार में नीचे की तरफ लग रहा है। तो ये बताइए कार में नीचे एम जी भी लग गया, एफ एल भी लग गया, और इसको नॉर्मल रिएक्शन बैलेंस कर रहा है। नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू कितनी थी, एम बी स्क्वायर बाय म्यू एस इंटू आर, और इसकी वैल्यू एम जी प्लस एफ एल के बराबर दे रखी है। आ गया बच्चों एफ एल का आंसर, आ गया क्या, आ गया एफ एल का आंसर, एफ एल का आंसर आ गया एम जी दूसरी तरफ गया, यानी एम वी स्क्वायर बाय म्यू एस इंटू आर माइनस एम जी, एम वी स्क्वायर बाय म्यू एस इंटू आर माइनस एम जी। तो एम कॉमन ले लो, सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है मेरे को, क्योंकि m कॉमन ले लूंगा तो एम वी स्क्वायर बाय म्यू एस आर माइनस एम जी, यानी सेकेंड इस क्वेश्चन का सही आंसर आ जाएगा। नाइन्थ क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th। तो इस क्वेश्चन में बच्चों हमने से क्या कहा हुआ है, एक कार एक्सेलरेट कर रही है फ्रॉम रेस्ट से, है ना, तो u की वैल्यू जीरो दे रखी है, कार एक्सेलरेट कर रही है और एक्सेलरेशन अल्फा दिया हुआ है, एक्सेलरेशन ए की वैल्यू, इसकी यहाँ पे कुछ वेलोसिटी हो गई, मान लीजिए वी हो गई, एक्सेलरेशन के बाद स्पीड बढ़ी, बढ़ते बढ़ते वी हो गई, फिर रिटार्डेशन हुआ बच्चों, रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी दे रखी है बीटा, फाइनल वेलोसिटी हो गई जीरो एंड कम्स टू रेस्ट। ठीक है, टोटल टाइम टी दिया हुआ है, टोटल टाइम टी अगर दिया हुआ है तो ये टाइम मान लो टी1 और ये टाइम कितना मान लो टी माइनस टी1, ये टाइम टी1 मान लिया, ये टाइम टी माइनस टी1 मान लिया, आ जाएगा ये टाइम अपने पास, या टी वन टी टू मान लो, वेलोसिटी निकाल लो, कैसे भी सॉल्व कर लो आप, चलिए यही मान लेते हैं, इसको टी वन मान लिया, इसको टी माइनस टी वन मान लिया, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, बहुत सारे तरीके हैं, आप इसमें ग्राफ व्राफ बना सकते हो, इसको टी वन टी टू रेशियो से डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, कुछ एक आध मैं बता देता हूँ। तो ये टाइम मैंने टी वन मान लिया और ये वाला टाइम मैंने कितना मान लिया, टी माइनस टी वन मान लिया, क्योंकि टोटल टाइम टी दिया हुआ है, निकालना क्या है टोटल डिस्टेंस। तो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बताओ टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, पहले केवल इतने से पार्ट के लिए लगाता हूँ मैं v बराबर u प्लस ए टी, तो v की वैल्यू v हो गई, u ज़ीरो अल्फा t1, ठीक है, यहाँ पे इस पहले पार्ट के लिए v बराबर u प्लस ए टी, इस दूसरे पार्ट के लिए भी मैं लगाता हूँ v बराबर u प्लस ए टी, तो इस दूसरे पार्ट में v क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, u इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई, a की वैल्यू माइनस बीटा हो गई, टी की वैल्यू टी माइनस टी वन हो गई, टी की वैल्यू कितनी हो गई, टी माइनस टी वन, बताइए वी की वैल्यू अल्फा टी वन दिख रही है, वी की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख रही है, अल्फा टी वन, वी की वैल्यू यहाँ से कितनी दिख जाएगी, ये माइनस वाली टर्म दूसरी तरफ चली जाएगी, तो बीटा टी माइनस टी वन, यानी अल्फा टी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा टी माइनस बीटा टी वन। अगर बीटा टी वन को आप दूसरी तरफ ले जाएं तो टी वन टाइम्स अल्फा प्लस बीटा बराबर बीटा टी आ जाएगा,
और यहाँ से टी वन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो बताइए मेरे को वी की वैल्यू क्या अल्फा टी वन दिख रही थी? अगर वी की वैल्यू अल्फा टी वन है तो वी की वैल्यू इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करते वी की वैल्यू कितनी आ जाती, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ये वी की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, तो इसको इसको मैं हटाने वाला हूँ। आप समझ लो कि पार्टिकल जीरो से चालू हुआ था, कण जीरो से चालू हुआ और मैक्सिमम स्पीड उसकी कितनी आई, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और फाइनली रिटार्डेशन ब्रेक लगा और लास्ट में वो रुक गया। अपने को टोटल डिस्टेंस निकालने को कहा गया है, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूँ, इसको हटा देता हूँ एक बार, है ना, फिर आंसर आप समझ लेना। इसको मैंने हटाया और अब मैं इसका ग्राफ बना देता हूँ। देखिए मैंने इसका ग्राफ बनाया, मैं इसका वी और टी ग्राफ बना रहा हूँ। वी और टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है। शुरुआत में वेलोसिटी जीरो थी, शुरुआत में इसका एक्सेलरेशन या इसका स्लोप कितना रहा होगा, अल्फा रहा होगा, और यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड आ गई होगी, और वो मैक्सिमम स्पीड कितनी आई थी, अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। फिर है ना, ये वी और टी का ग्राफ है, और लास्ट में फिर रिटार्डेशन होता होते होते लास्ट में फाइनल वेलोसिटी कितनी आ गई, जीरो। है ना, ये टोटल टाइम कितना दिया हुआ है, टी दिया हुआ है। बताओ मेरे को वी टी ग्राफ का एरिया, वी टी ग्राफ का एरिया अगर मैं निकालूंगा, इंटीग्रेशन अगर मैं निकालूंगा, तो वो याद होना चाहिए वी टी ग्राफ का एरिया वो आपको डिस्टेंस दे देगा। एरिया निकाल लो आप इसका, एरिया हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस टी है, हाइट हाइट ये हाइट टी आएगी, वो टी की वैल्यू है हमारे पास, आंसर आ गया हाफ टी, और वी की वैल्यू आ जाएगी अल्फा बीटा टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। तो कितना आंसर दिख रहा है यहाँ से, अल्फा बीटा टी स्क्वायर, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा, तीसरा आंसर दिख रहा है बच्चों, अल्फा बीटा टी स्क्वायर अपॉन टू अल्फा प्लस बीटा, थर्ड इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आ जाएगा बच्चों। सोलेनोइड दिया हुआ है, 1000 टर्न्स पर मीटर दिए हुए हैं, एन की वैल्यू 1000 है, सोलेनोइड दिया गया है, म्यू आर दिया गया है इसमें कितना, 500 के बराबर, वाइंडिंग्स करंट दिया गया है, आई की वैल्यू 5 दी गई है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड, कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट एन आई होता था मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड का, लेकिन मीडियम होगा तो म्यू नॉट को म्यू आर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा। बताओ म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है, 4π × 10⁻⁷, 4π × 10⁻⁷, इंटू एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू आपको दे रखी है 1000, 1000 आ जाएगी, आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आई करंट 5 आ गया, और म्यू आर की वैल्यू 500 मल्टीप्लाई बाय 500, तो आंसर इसका अपने को बताना पड़ेगा, पाई तो है ही। बताओ 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर ये दूसरे कलर से देख लेता हूँ मैं इसे, देखो 10 की पावर ये तो 3 है, 3 और 3 और 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, तो 10 की पावर 5 यानी ये आ रहा है 4π × 10⁻², क्योंकि 5 0 हट गए, और 5 × 5 कितना हो जाएगा, 25। बच्चों 25 × 4 कितना हो जाएगा, 100, 100 और 10 की पावर -2 भी कैंसिल, तो पाई बाकी रह गया, पाई बाकी रह गया, तो पाई टेस्ला इसका आंसर आ जाएगा, 11th क्वेश्चन का आंसर टेस्ला। मान लीजिए आपको एग्जाम में नहीं समझ में आए कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है, कोई बच्चा फ्लक्स का फॉर्मूला लगा दे कि सर बी इंटू ए पूछा हुआ है, तो बच्चों फ्लक्स की यूनिट टेस्ला नहीं है, टेस्ला यूनिट किसकी होती है, ऑप्शन देख लो, टेस्ला यूनिट मैग्नेटिक फील्ड की होती है, लिखवाते भी हैं हम, नहीं समझ में आए तो ऑप्शन देख लेना, वरना याद करना है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड ही पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए, तो 11th के बाद क्वेश्चन नंबर 12th पे आ जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12th में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 12th में आपसे बोला गया है मास एम, एक मास एम हैंग्स ऑन मासलेस रॉड ऑफ लेंथ एल, तो विच रोटेट्स एट कॉन्स्टेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी, द मास एम मूव्स विद स्टेडी स्पीड विद सर्कुलर पाथ कॉन्स्टेंट रेडियस।
एज्यूम सिस्टम इज ए स्टडी सर्कुलर मोशन विच कॉन्स्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ एम। तो बच्चों ये बताइए, ये कोनिकल पेंडुलम जैसा कुछ दिख रहा है ना, इस तरीके से ये मास एम है और वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है इस तरीके से, है ना। तो कुल मिला के ये इस तरीके का ऐसा कुछ कोनिकल पेंडुलम में लेंथ मान लीजिए, और नीचे जो मास आ रहा है वो मास क्या कर रहा होगा, ऐसे सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। अगर ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है तो अपने से ए के अबाउट एक सेंटर है, इस ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम निकालने को कहा गया है, उसको एल ए बोला गया है, और एक आपको बोला गया है बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम। तो आप ये बताइए मेरे को, ये रहा पहला पॉइंट ए, अगर इसके अबाउट मैं एंगुलर मोमेंटम निकालूं तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता था आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी, केवल डायरेक्शन देखते चलो आप, आर क्रॉस पी। तो आर वेक्टर, आर वेक्टर होता था ये ए से एम को जोड़ने वाला, ये आर वेक्टर आ जाएगा, है ना। और वी वेलोसिटी टेंजेंशियल होगी, ऐसे होगी वेलोसिटी। अब ये बताइए, जैसे मास इस तरीके से नीचे जैसे घूम रहा है इधर, मानिए आर वेक्टर किधर आ जाएगा, आर वेक्टर इधर, मान लीजिए ये सेंटर होता, ठीक है। अगर मैं सामने से यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँ तो ये एक सर्कल अपने को दिख रहा है ना, ये मास एम हमेशा घूमता रहेगा, ये मास एम पहले यहाँ पे था, ये मास एम फिर यहाँ पे था, फिर ये मास एम यहाँ पे था, फिर ये मास एम यहाँ पे था, और ये ए पॉइंट है। तो एंगुलर मोमेंटम ए के अबाउट चाहिए अगर आपको, तो आर क्रॉस पी देखते हैं, तो आर वेक्टर ये हो जाएगा, आर वेक्टर कुछ देर बाद आर वेक्टर ये हो जाएगा, कुछ देर बाद आर वेक्टर ये हो जाएगा, कुछ देर बाद आर वेक्टर ये हो जाएगा। और वी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है ना, तो वेलोसिटी वी ऐसे हो जाएगी, ये वी ऐसे हो जाएगी, ये वी ऐसे हो जाएगी, ये वी ऐसे हो जाएगी। देखिए ये वी और आर हमेशा परपेंडिकुलर है, इसलिए ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम एम वी आर आएगा, और डायरेक्शन भी सेम रहेगी, वी क्रॉस आर की डायरेक्शन देख लो ना, वी क्रॉस आर की डायरेक्शन, वी की डायरेक्शन में तुम्हें हमेशा क्या रखना पड़ेगा, थंब को, और आर किस डायरेक्शन में रहेगा, फिंगर्स की डायरेक्शन में रहेगा, तो ये वी ऊपर की तरफ और आर किधर, बाहर की तरफ, ऐसे है ना, तो वी क्रॉस आर ऐसे आ जाएगा। अब मतलब अंदर की तरफ आ रहा है, ऐसे वी क्रॉस आर को ऊपर लाओगे तब भी डायरेक्शन अंदर की तरफ ही आएगी, वी क्रॉस आर, वी में थंब को रखना है, आर में फिंगर्स को रखनी है, तो वी इधर और आर ऊपर क्यों आ गया, इस वेक्टर को ऊपर बनाएंगे तभी टेल से टेल मिलेगी, तो वी क्रॉस आर इधर, फिर वी क्रॉस आर इधर, फिर वी क्रॉस आर इधर, मतलब वी क्रॉस आर की डायरेक्शन सेम है। मतलब ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम रहेगा। आप देखेंगे तो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है ए के अबाउट एंगुलर मोमेंटम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में सेम है, यही इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे समझिए, ये तो मैंने क्या है, आप ऊपर से देख रहे हो इसको, यहाँ पे मास ऐसे घूम रहा है, मानिए हॉरिजॉन्टल में मास ऐसे घूम रहा है, मास इधर घूम रहा है तो सेंटर से मास की तरफ आर वेक्टर आएगा, तो ये सेंटर मानिए कुछ देर के लिए, ये पॉइंट क्या हो गया, सेंटर हो गया, और ये मास हो गया, तो आर वेक्टर इधर आ गया, ये आर वेक्टर है ना, आर वेक्टर सेंटर से मास की तरफ, और वी वेलोसिटी की डायरेक्शन में ये फिंगर्स आ गई। अब देखो ये मास जैसे जैसे घूमेगा फिर ये किधर आ गया, आर वेक्टर इधर ही है, वी इधर है, देखो हमेशा आर क्रॉस वी की डायरेक्शन अपवर्ड्स ही रहेगी, जेड डायरेक्शन में ही रहेगी। ऐसा ये थ्रेड था, ये रस्सी थी, ये रॉड थी जिससे मास एम था, और आर वेक्टर किधर आएगा, इधर आएगा आर वेक्टर, वेलोसिटी वी किधर आएगी, आगे आएगी। तो ये देखिए आर क्रॉस वी यही एंगुलर मोमेंटम की डायरेक्शन है, वो हमेशा अपवर्ड है ए पॉइंट के लिए। अच्छा बी पॉइंट के लिए देखिए, बी पॉइंट ऊपर है, इधर है बी पॉइंट, इसमें बी पॉइंट किधर बोला हुआ है, बी पॉइंट ऊपर बोला हुआ है बी पॉइंट। अच्छा बी पॉइंट ऊपर है तो आर वेक्टर किधर बनाओगे, आर वेक्टर देखिए ये पॉइंट ये ऐसे ही घूम रहा है, ये मास इस तरीके से घूम रहा है, ये अपने पास बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट से मास एम को अगर आप जोड़ोगे इस तरीके से, एक मास को जोड़ोगे, यही आर वेक्टर है, ठीक है। तो ये आर वेक्टर आया, और वेलोसिटी किधर आएगी इसकी, वेलोसिटी आएगी आगे की तरफ, तो मेरा हाथ ना देखिए इस तरीके से, ये तो आर वेक्टर आया और वेलोसिटी बाहर की तरफ आएगी, तो इस तरीके से मेरा हाथ आ रहा है क्योंकि आर वेक्टर बी पॉइंट से मास को जोड़ेगा, तो ये आर वेक्टर और ये वी वेक्टर। अब मैं इस तरीके से हाथ को घुमाऊंगा तो पहले देखिए, पहले एंगुलर मोमेंटम इधर से हथेली से बाहर जा रहा था, अब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा तो इधर से बाहर आने लगेगा, मतलब कि आपको समझ में आना चाहिए बी जो है, बी के अबाउट एंगुलर मोमेंटम चेंज होता रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो रही है ना, आर क्रॉस वी अगर आप देखोगे तो आर बी से मास की तरफ, ये आर वेक्टर ऐसा थम और वी किधर है, आगे की तरफ,
तो आर क्रॉस वी आपको हमेशा डायरेक्शन में चेंज दिखेगा, मतलब बी जो है उसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती रहेगी, इसलिए बी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है? इसीलिए आंसर अपन ने फोर्थ दिया हुआ है। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ट्वेल्थ के आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 13 की अगर अपन बात करें तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एसएचएम में, तो एसएचएम में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। दोनों बराबर करने को कहा गया है, बराबर कर दिया है, के बाई टू से के बाई टू कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर के बराबर आ जाएगी, एक्स स्क्वायर दूसरी तरफ आएगा, टू एक्स स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर आएगा, एक्स स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर बाई टू आ जाएगी। बच्चों एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी कितनी अपने पास, ए स्क्वायर बाई टू के बराबर, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस ए बाय रूट टू के बराबर, प्लस माइनस ए बाय रूट टू थर्ड इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है? सॉल्व करना है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, 14th क्वेश्चन की तरफ। बताइए 14th क्वेश्चन में बोला हुआ है कार्नोट इंजन वर्क कर रहा है 400 केल्विन 800 केल्विन, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता था 1 माइनस 400 बाय 800, 1 माइनस सिंक बाय सोर्स, है ना, लो टेम्परेचर अपॉन हाई टेम्परेचर, और वर्क डन का फॉर्मूला वर्क डन अपॉन हीट गिवन भी होता था, तो हीट गिवन और वर्क डन, बताओ ये 1 माइनस 1 बाई टू हो जाएगा, 400 बाय 800। अपने को निकालना क्या है कि वर्क आउटपुट 1200 दिया हुआ है इक्वल्स टू 1200, और हीट गिवन, वर्क 1200 दिया गया है तो अपने को क्या बताना है, हीट एनर्जी सप्लाइड, अच्छा हीट गिवन ही निकालनी है, आ गया आंसर, ये 1 माइनस 1 बाई टू कितना हो जाएगा 1 बाई टू, तो 1 बाई टू बराबर 1200 अपॉन क्यू, तो क्यू की वैल्यू 2400 आ जाएगी, 2400 मतलब फोर्थ इसका आंसर आ जाएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आना चाहिए अपने को, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15th पे आ जाते हैं। तो बच्चों इस नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है थिकनेस ऑफ थिकनेस एट सेंटर ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स, तो इसमें अपने से बोला गया है ये रहा प्लेनो कॉन्वेक्स, और ये जो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस दिया गया है इसके सेंटर की थिकनेस, इसके सेंटर की थिकनेस दी गई है 3 मिलीमीटर के बराबर, इस सेंटर की थिकनेस दी गई है, डायमीटर इज 6 सेंटीमीटर, तो डायमीटर कितना दिया गया है 6 सेंटीमीटर, आपको इसका डायमीटर दिया गया है, तो डायमीटर 6 सेंटीमीटर या रेडियस कितनी आ जाएगी 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस अपने पास क्या आ जाएगी 3 सेंटीमीटर के बराबर। और अपने को अब क्या बताना है, इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल ऑफ लेंथ इज दिस, अच्छा स्पीड जो मीडियम में होती है बच्चों वो सी बाय एन होती है, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सी बाय वी आ जाएगी, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ अपॉन वी है 2 × 10⁸, तो आपको समझ में आना चाहिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2, ठीक है? फोकल लेंथ लेंस की चाहिए, तो फोकल लेंथ अगर आपको चाहिए लेंस की, तो बताइए इस लेंस की पावर कितनी होती है, लेंस की पावर, स्ट्रेट सरफेस की कोई पावर होती नहीं है, केवल इस सरफेस की पावर होती है, और इस सरफेस की पावर होती थी म्यू माइनस वन अपॉन आर, म्यू माइनस वन अपॉन आर, है ना, तो म्यू की वैल्यू कितनी है 3/2 माइनस वन अपॉन आर, 3/2 माइनस वन अपॉन आर मतलब 1/2 आर, ये बच्चों पावर आई है, पावर कितनी आई है हमारे पास, पावर आई है हमारे पास 1/2 आर, और पावर को अगर तुम 1/f लिखते तो 1/f की वैल्यू 1/2 आर हो जाती, और 1/f की वैल्यू अगर 1/2 आर हो जाती तो आपको समझ में आना चाहिए f की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आर के बराबर। तो जो फोकल लेंथ है, फोकल लेंथ आपको कितनी दे रखी है 2 आर के बराबर, अपने को r रेडियस निकालना पड़ेगा, ये सारी कैलकुलेशन करके अपने को समझ में आया f की वैल्यू 2 आर के बराबर आ जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक ये डायमीटर दे रखा है, ये डायमीटर अपने को किसका दे रखा है, ये डायमीटर अपने को दिया हुआ है बच्चों इस प्लेनो कॉन्वेक्स का, यानी ये वाली वैल्यू जो दे रखी है ना अपने को, ये वाली जो वैल्यू दे रखी है ये वैल्यू 3 दे रखी है अपने को, ठीक है?
ये टोटल 6 था और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अपर्चर का डायमीटर दिया हुआ है, इस लेंस का डायमीटर दिया हुआ है। अब आप ऐसा सोचिए कि ये कहाँ से बनाया होगा अपन ने लेंस, तो अपन ने एक स्फीयर लिया होगा, एक गोला लिया होगा स्फीयर, और उस स्फीयर में बच्चों अपन ने इस तरीके से एक कट लगाया होगा, है ना। अपन ने एक स्फीयर लिया होगा और इस तरीके से स्फीयर इसमें अगर दिख जाए अपने को, तो ये 3 तो था ही यहाँ पे, 3 सेंटीमीटर। तो अपन ने यहाँ पे एक स्फीयर लिया होगा इस तरीके से, ये लिया है एक स्फीयर, और इस स्फीयर में बच्चों यहाँ पे इस तरीके से एक कट लगाया है। तो यही अपने को क्या मिल गया है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिल गया है। अगर ये प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मिला हुआ है तो अपने को आर रेडियस चाहिए, यानी ये जो है ना, ये रेडियस आर अपने को चाहिए। ये रेडियस आर कैसे निकालोगे आप, इसमें ये टोटल डिस्टेंस भी रेडियस आर ही होगी, लेकिन ये छोटी वाली डिस्टेंस को मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, और वो स्मॉल आर अपने को 3 मिलीमीटर दिया हुआ है। तो बताइए ये रिमेनिंग डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये आ जाएगी आर माइनस स्मॉल आर, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस आपको दे रखी है 3 सेंटीमीटर के बराबर। तो आप इस ट्राइंगल में, ये ट्राइंगल दिख रहा है जिसका हाइपोटन्यूज आर है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते तो आपको मिलेगा आर स्क्वायर बराबर आर माइनस आर का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर। सब सेंटीमीटर में लिखना है बच्चों, सब कुछ सेंटीमीटर में लिखना है ना, क्योंकि ये 3 सेंटीमीटर में है। तो ये आर तो क्या हो गया, हाइपोटन्यूज का स्क्वायर, नीचे क्या आ गया, आर माइनस आर का स्क्वायर, और ऊपर भी कितना है, 3 का स्क्वायर। बताइए ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर माइनस 2 आर आर प्लस 9। ये आ रहा है अपने पास, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल कर देना, और इस स्मॉल आर स्क्वायर को नेगलेक्ट कर दो, क्योंकि आर की वैल्यू 3 मिलीमीटर है, उसका स्क्वायर करोगे बहुत छोटा आएगा, तो ये आर स्क्वायर नेगलेक्ट कर देना, यानी यहाँ से तुम्हारे पास 2 आर इंटू आर की वैल्यू 9 आ जाएगी, यानी यहाँ से तुम्हारे पास 2R की वैल्यू आ जाएगी 9/R के बराबर। 2R की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/R, क्या फोकल लेंथ 2R ही थी, यही हमारा आंसर है, 9/R, R की वैल्यू है 3 मिलीमीटर, और 3 मिलीमीटर को आप 0.3 सेंटीमीटर लिख सकते हो, यही अपना आंसर है। पॉइंट हटाओगे ऊपर 90 आएगा, 90/3 30 सेंटीमीटर, फोर्थ इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्यूज मत होना, आपको ये डायमीटर किसका दिया गया था, ये डायमीटर आपको दिया गया था इस लेंस का, तो इस लेंस का ये पूरी रेडियस, उसका डायमीटर कितना था, 3 सेंटीमीटर, तो आपको एक्चुअली रेडियस लेंस की निकालनी पड़ जाएगी। अच्छा सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 16। बताइए क्वेश्चन नंबर 16 अगर आप देखते हो, क्वेश्चन नंबर 16 में बताइए ये गेट कौन सा दिख रहा है, इसको अपन आराम से बना लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, आराम से इसको ऊपर सॉल्व भी कर लेंगे। बताइए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये वाला गेट दिख रहा है, ये और गेट है, और गेट है, उसके आगे नॉट लगा हुआ है, तो नॉर गेट भी बोल सकते हो। स्टेप वाइज स्टेप देख लो, और गेट का मतलब आ जाएगा ए प्लस ए, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए प्लस ए और उसके ऊपर बार, समझ रहे हो क्या, और गेट है ये और उसके ऊपर बार, नॉर गेट भी बोल सकते हो। ए प्लस ए का मतलब ए बार ही आ गया, तो यहाँ से आ रहा होगा बच्चों ए बार, इसी प्रकार से नीचे से क्या आ रहा होगा, बी बार, और यहाँ पे फिर आपको मिलेगा ए बार प्लस बी बार का एक और बार बार, है ना, क्योंकि और गेट है तो प्लस करेंगे और उसके ऊपर ये आ ही रहा है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा बार का बार मतलब ए डॉट बी मिल जाएगा बच्चों, है ना, क्योंकि बार और बार कैंसिल हो जाएगा, प्लस का बार लगाओगे डॉट हो जाएगा, तो यहाँ से आ रहा था ए डॉट बी, तो ये गेट क्या करेगा, ए डॉट बी में जोड़ेगा ए डॉट बी को, ए डॉट बी में जोड़ेगा ए डॉट बी को, और आगे एक नॉट लगाएगा इस तरीके से। तो बुलियन अलजेब्रा में किसी मतलब वन में वन जोड़ोगे वन ही आएगा, जीरो में जीरो जोड़ोगे जीरो ही आएगा, ए डॉट बी में ए डॉट बी जोड़ोगे तो ए डॉट बी ही आएगा, और उसके ऊपर आपको एक बार दिखेगा। डॉट का मतलब ये एंड गेट है, और ऊपर एक बार लगाया हुआ है मतलब नॉट और ऐड कर दो, नैंड गेट आ जाएगा, सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 16th क्वेश्चन का आंसर सेकंड आ जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, बॉय इज रोलिंग 0.5 किलोग्राम मास। तो एक मास है 0.5 किलोग्राम का और इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, हाफ एम वी स्क्वायर। वी स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर, यानी ये आ गया 0.5 × 200। तो ज़ीरो से पॉइंट ये कैंसिल हो गया, यानी 100। तो शुरुआत की काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी। द बॉल गेट्स डिफ्लेक्टेड बाय ऑब्स्टेकल ऑन द वे, आफ्टर डिफ्लेक्शन इट मूव्स विद 5% ऑफ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, 5% हो जाएगी इनिशियल के। 5% मतलब 5/100 × 100, और वैसे भी 100 का 5% 5 ही होगा, लेकिन चलो। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो गई 5 के बराबर। तो निकालना क्या है, स्पीड। तो फाइनल स्पीड कितनी हो जाएगी, फाइनल स्पीड हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर। एम की वैल्यू 0.5 थी, तो 0.5 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। तो वी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ जाएगी बच्चों, क्योंकि 0.5 को अगर मैं लिखता 1/2, तो 1/2 2 × 2 = 4, 4 × 5 = 20। वी स्क्वायर की वैल्यू 20 आ गई, तो वी की वैल्यू आ जाएगी √20। √20 मतलब 4.47 आ जाएगा। 4 और 5 के बीच का एक ही आंसर दिख रहा है, 17 का सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाते हैं। 18 में क्या बोल रखा है, विच लेवल ऑफ सिंगल आयोनाइज्ड कार्बन। कार्बन के लिए जेड कितना होता है, 6, तो याद होगा आपको, सिंगल आयोनाइज्ड है, तो हाइड्रोजन वाले फॉर्मूले लगा देंगे। हैज़ सेम एनर्जी एज द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन की ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6 ही होती है। हाइड्रोजन के ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कितनी होती है, -13.6। फॉर्मूला होता है -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। तो हाइड्रोजन के लिए जेड वन हो गया और ग्राउंड स्टेट में एन वन हो गया। तो ये तो एनर्जी आ गई हाइड्रोजन की, यही एनर्जी आपको दी गई है कार्बन के लिए। तो कार्बन के लिए -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर की वैल्यू 6 का स्क्वायर कार्बन के लिए, और एन स्क्वायर आपसे पूछा गया है। -13.6 से -13.6 कैंसल, एन स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर, एन की वैल्यू बच्चों 6 आ जाएगी, यानी कि अपने पास 18 का सेकेंड आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 19 क्वेश्चन फिर KTG का क्वेश्चन है, और इसमें बोला गया है टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। बच्चों टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर का फॉर्मूला हम लिखवाते हैं आपको कॉपी में, N1CV1T1 + N2CV2T2 / N1CV1 + N2CV2। ये लिखवाया हुआ है फॉर्मूला आपको, जहाँ CV की वैल्यू होती थी FR/2 के बराबर। CV की वैल्यू होती थी FR/2 के बराबर। ये फार्मूला लगाते ही अंदर आ जाएगा, कुछ एनर्जी कंजर्वेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो लगा के ही ये फार्मूला निकाला था हमने। तो आंसर कितना आ जाएगा, देखिए आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम्स जो दे रखी है ना, वो F1 और F2 दे रखी है। तो पहले N1 की जगह N1 लिखेंगे आप, CV1 की जगह क्या लिखेंगे, FR/2 × T1, T1 की जगह T1 आ गया। दूसरे में क्या लिखेंगे, N2 और FR/2 × T2। देख लीजिए N1 CV1 T1 N2 CV2 T2, CV की वैल्यू FR/2 आती है, नीचे क्या आ जाएगा, N1 CV1 और प्लस N2 CV2 N2 CV2, बस यही आंसर आ जाएगा। अब इस आंसर में सारे R/2 वो कैंसिल हो जाएंगे, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2, ये भी R/2 कैंसिल हो गया। आंसर कितना आ गया, N1 F1 T1, तो यही दिख रहा है मेरे को, N1 F1 T1 + N1 F1 T1 + N2 F2 T2 / N1 F1। अच्छा नीचे N1 F1 नहीं है, ये गलत हो गया, ये भी नीचे N1 F1, तो ये आंसर आ गया भाई, सेकंड आंसर आ गया है ना, N1 F1 T1 + N2 F2 T2। ऊपर ये आएगा, नीचे क्या आएगा, N1 F1 + N2 F2, यानी कि सेकंड इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आराम से सॉल्व कर लो, फॉर्मूले हैं, आंसर आ जाएंगे। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया बच्चों, तो सेक्शन ए का आखिरी सवाल आ चुका है। आपको निकालना है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ईच क्यूब मीटर, मतलब आपको स्मॉल एन निकालना है, नंबर ऑफ चार्ज डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम।
कोई फॉर्मूला था क्या करंट इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें एन आता था आई बराबर एन ए ई बी डी, ये फॉर्मूला है लगाइए। आई करंट 10 दे रखा है, एन की वैल्यू तुम्हें चाहिए एरिया 5 और मिलीमीटर के लिए 10^-6, क्योंकि मिली के लिए 10^-3 और स्क्वायर करोगे -3 का स्क्वायर 10^-6 है ना। ई की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 1.6 10^-19 और ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 × 10^-3 दे रखी है 2 × 10^-3, बस यही इसका आंसर एन का तुम निकाल सकते हो। ये 10 से 5 × 2 10, ये कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आएगा केवल 1.6, नीचे आएगा 1/1.6। बच्चों 1/1.6 इसकी वैल्यू होती थी 0.625 और 625 में ऑप्शन ही एक है और जहाँ तो 625 दिख ही नहीं रहा है ना, तो 625 ही 1/1/16 की वैल्यू वो 625 में ही आती थी, 6 2 और 5 ही आएगी, 1/1.6 0.625। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, तुम पावर्स मैच करना चाहो मैच कर लेना। ये यहाँ पे नीचे कितना आ जाएगा, 10^ कितना आ जाएगा, ये 6 और 9, 9 और 19 वो आ जाएगा 10, मतलब -28, ये एन की वैल्यू आ रही है। और बोला ना ये कितनी हो जाएगी 0.625 × 10^28, तो 625 × 10^25 आ जाएगा, बस यही आंसर आ जाएगा। तो अपने को याद रखना है सेक्शन ए के 20 के 20 सवाल हो चुके हैं सिंगल चॉइस, अब इंटीजर टाइप क्वेश्चंस पे आ जाते हैं सेक्शन बी पे। बताइए सेक्शन बी अपने को दिख रहा है, इस सेक्शन बी में फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि फॉर VHF है ना, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल ब्रॉडकास्ट हो रहे हैं, किलोमीटर स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम सर्विस एरिया कैन बी कवर्ड बाय हाइट 30 मीटर, 30 मीटर हाइट के कारण कितना एरिया कवर हो सकता है, तो कितनी दूरी तक, कितने डिस्टेंस तक, अगर ये हाइट एच है तो कितने डिस्टेंस तक √2RH इतनी डिस्टेंस तक कवरेज होता है, तो एरिया कितना हो जाएगा, इसी का एक सर्कल बनाना पड़ेगा। तो कितना एरिया आएगा, π × d² π × 2RH, क्योंकि रूट का स्क्वायर करोगे, आंसर आ गया π × 2 × r, r की वैल्यू है 30 है ना, r की वैल्यू मतलब h की वैल्यू 30 है और r की वैल्यू आ जाएगी 6400 किलोमीटर, मतलब 10^3, ठीक है। और यहाँ से अपने पास इसका आंसर आ जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में ही आंसर लिखना है आपको, तो 10^3 भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, 10^3 वो अपने को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ये 30 मीटर में है ना, ये किलोमीटर में है, तो इस 30 को तुम 1000 से डिवाइड कर देना ताकि ये भी किलोमीटर में आ जाए, ये भी किलोमीटर में आ जाए और आंसर भी किलोमीटर स्क्वायर में ही आ जाएगा अपने पास, ठीक है। सॉल्व कर लो, ये 3 0 से 3 0 कैंसिल हो गए, 2 3 जा 6, 6π × 64 ये आंसर आ जाएगा। तो 64 × 6, 64 × 6 देखोगे 6 4 जा 24 और 6 6 जा 36, ये 384 आ जाएगा बच्चों, और 384 को 314 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 384 को 314 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 384 को 314 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा एक पॉइंट के बाद, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आप कर सकते हो, 384 और 314 जगह ले लेता हूँ मैं, 384 314 इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 384 और 314 ऐसे मल्टीप्लाई कर लो, आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन चलो कर देता हूँ, 4 4 जा 16 हो गया, 4 8 जा 32 तो ये 33 आ जाएगा, 4 3 जा 12 और ये 5 आ जाएगा है ना, 1 से मल्टीप्लाई करोगे 384 आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 4 जा 12 आ जाएगा, 3 4 जा 12 तो 2 आ जाएगा, 1 आ गया, 3 8 जा 24 हुआ और 25 आ जाएगा इधर, और 3 3 जा 9 10 11 आ जाएगा इधर। तो ऐड करने पे 6 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 2 10 और 5 दिख रहा है, 1 इधर चला जाएगा, 5 3 8, 8 और 1 9 और 1 10, 0 और 1 आगे आ जाएगा, यानी कि इसका 2 और ये 1 आ जाएगा, तो ये आ गया 3.14, यानी ये आ जाएगा अपने पास 1205.76। और इसको नियरेस्ट इंटीजर पर पहुंचाओगे
तो 1206 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों अपन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर टू में आ जाइए। बताइए, क्वेश्चन नंबर टू में आपको दिया हुआ है कि एंगुलर स्पीड ट्रक की 900 आरपीएम से 2460 आरपीएम हो गई 26 सेकंड में, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आपको चाहिए। अब नंबर ऑफ रेवोल्यूशन थीटा की वैल्यू चाहिए आपको, है ना। मतलब एंगल आ जाएगा तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल लोगे। एंगल की वैल्यू आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, है ना। फॉर्मूला सोचना पड़ेगा अपने को। अगर एंगल आ गया, एंगल आ गया तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ रेवोल्यूशन निकाल सकते हो थीटा बाई टू पाई से। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन कितना हो जाएगा? थीटा बाई टू पाई, वो नंबर ऑफ रेवोल्यूशन हो जाएगा। अब थीटा का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? आपको एक इक्वेशन पता होनी चाहिए। एस की वैल्यू आती थी यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये एक इक्वेशन होती थी। अगर ये आपको पता होगी तो आंसर आ जाएगा। ये आता क्या थी इक्वेशन बताऊंगा। इक्वेशन देखो, इक्वेशन होती थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर टू ए एस। इक्वेशन ऑफ मोशन की इक्वेशन होती थी वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को तुम वी माइनस यू इंटू वी प्लस यू बराबर टू ए एस लिख सकते थे, और वी माइनस यू को तुम ए टी लिख सकते हो फर्स्ट इक्वेशन से। और ये वी प्लस यू तो एज इट इज रहेगा, ये टू ए एस के बराबर है, ये ए से ए कैंसिल हो जाएगा। यही इक्वेशन लिखी हुई है। यहाँ पे अपन ने टू को नीचे ले आए हैं तो एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी? वी प्लस यू इंटू टी बाई टू, वी प्लस यू इंटू टी बाई टू, है ना। ये इक्वेशन है। एस का काम थीटा कर लेगा यहाँ पे। तो एक बार मैं इसे हटा देता हूँ ताकि अपने को जगह मिल जाए। तो कुल मिला के इक्वेशन एस इक्वस टू यू प्लस वी बाई टू इंटू टी, ये लीनियर में एंगुलर में बदलोगे तो थीटा इक्वस टू ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल बाई टू इंटू टी। तो थीटा की वैल्यू आपको बताया ही है, एन होता है थीटा बाई टू पाई, है ना। तो थीटा की जगह तुम टू एन पाई लिख देना। एन अपना आंसर है। ओमेगा इनिशियल, तो शुरुआत में ओमेगा दे रखा है 900, बाद में दे रखा है 2460 अपॉन टू, ये आरपीएम है, रेवोल्यूशन पर मिनट है ये। तो बच्चों याद रखना, रेवोल्यूशन पर मिनट को जब तुम डिवाइड करते हो 60 से तो वो फ्रीक्वेंसी बनती है। और इसको तुम्हें 2 पाई से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तभी तो वो ओमेगा बनेगा। यानी ये सब लिखने के बाद आपन ने इसको 60 से डिवाइड भी कर दिया और 2 पाई से मल्टीप्लाई भी कर दिया, तब जाके ये ओमेगा बनेगा, ठीक है। और इंटू टी और आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी? 26। तो ये टी और मल्टीप्लाई कर देना। तो बच्चों यहाँ पे इसके आगे आप कैलकुलेशन कर लेना, ध्यान से देख लेना। अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे तो ओमेगा की वैल्यू वो आपको लिखनी पड़ेगी। ओमेगा की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो कि आपको आरपीएम दिया हुआ था उसको 60 से डिवाइड कर दिया, तो ये मैंने केवल आरपीएम ही लिखा था, इसको 60 से डिवाइड किया तो ये किस में आ गया था? आरपीएस, रेवोल्यूशन पर सेकेंड, या फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को 2 पाई से मल्टीप्लाई किया तो सब ओमेगा हो गया। तो यहाँ पे ओमेगा तो लिख ही दिया, बाहर टी था, टी 26 और था। बच्चों 2 पाई से ये 2 पाई हो गया है कैंसिल, आंसर आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास? एन की वैल्यू सॉल्व कर लीजिए, इनको ऐड करना पड़ेगा नीचे। 120 है, 2 को इससे कैंसिल करोगे ये 13 आ गया, तो 13 अपॉन 60 तो एज इट इज रहेगा, है ना। ये 13 है, नीचे 60 है, ऊपर कितना आ जाएगा? 2460 में 900 जोड़ना पड़ेगा, तो ये 0 6 9 4 13, और ये आ जाएगा 3360। एक 0 से 0 कैंसिल कर देना, ठीक है। तो 0 से ये 0 भी कैंसिल हो जाएगा। आओ 6 से कैंसिल करें इसे, अपन कोशिश करें कैंसिल करने की। 6 1 जा 6, और 6 5 जा 30, और 6 6 जा 36, तो ये तो 56 इंटू 13 आ गया। 56 इंटू 13 मल्टीप्लाई कर लो, तो 56 इंटू 3 कितना होता है? 3 6 जा 18, 3 5 जा 15 1 16, तो 560 प्लस 168, 8 2 728 आ गया। बच्चों मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 56 को, आंसर आएगा 728। 728 खुद ही इंटीजर है, 728 आंसर आ गया अपने पास। तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर आ जाएगा 728, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन, थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर इज एस। दो रेजिस्टर का सीरीज कॉम्बिनेशन एस है, मतलब R1 प्लस R2 तुम्हें कितना दिया गया है? S। और वेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल,
पैरेलल में होता है बच्चों आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, और उसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है पी, उसकी वैल्यू आपको पी दे रखी है, और एस इक्वस टू एन इंटू पी भी बोल रखा है। अच्छा चलिए एस बराबर एन इंटू पी दे रखा है, तो इक्वेशंस निकालते चलिए। आप बताइए यहाँ से आर वन आर टू की वैल्यू क्या आ जाएगी, पी इंटू आर वन प्लस आर टू, इधर चला गया आर वन प्लस आर टू तो एस था, पी इंटू एस आ गया। क्या आर वन इंटू आर टू की वैल्यू पी इंटू एस है, तो पी इंटू एस, क्या एस की जगह एन इंटू पी लिख सकते थे? क्या आर वन आर टू की वैल्यू आपके पास एन इंटू पी स्क्वायर आ जाएगी, एन इंटू पी स्क्वायर आ जाएगी। अपने को तो वैल्यू मिनिमम वैल्यू एन की चाहिए, तो एन की इक्वेशन बना लो आर वन आर टू बराबर एन इंटू पी स्क्वायर। क्या पी स्क्वायर की ये वैल्यू दिख रही है आपको, तो पी स्क्वायर की जगह आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से एन कितना आ जाएगा बताओ मेरे को, एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये ऊपर आर वन प्लस आर टू है, यहाँ आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर था, तो ये आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर इधर आ गया, आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन आर वन आर टू। तो एन की वैल्यू अपने को चाहिए थी आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर इधर, और नीचे आ जाएगा आर वन प्लस आर टू, यही एन की वैल्यू है। और अगर आपको मिनिमम वैल्यू एन की चाहिए, तो आप अगर आर वन और आर टू को सेम रेजिस्टेंस आर मान लें, तो बताइए ऊपर आएगा आर प्लस आर टू आर का स्क्वायर, और नीचे आर स्क्वायर फोर, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा मिनिमम वैल्यू एन की आर वन प्लस आर टू का होल स्क्वायर अपॉन आर वन आर टू। ठीक है, तो सेम रेजिस्टेंस रखोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बताइए इस फोर्थ क्वेश्चन में अपने से पूछा हुआ है कि एल की वैल्यू दे रखी है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ की वैल्यू 3/2, लेंथ इंटू ब्रेथ जिससे हम एरिया निकाल पाएँ, इक्वलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड सी। अब बताओ ए और सी में इक्वलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो पॉइंट लगा लो ए और सी के बीच में, ये इस पॉइंट को 1 मान लो चलो, इस पॉइंट को 2 मान लो, ये पॉइंट 3 होगा, तो बच्चों ये पॉइंट भी 3 मानना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये कनेक्टेड है। तो सबसे पहले ए बना लो, फर्स्ट पॉइंट बना लो, तो 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बना लो, 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आगे कैपेसिटर बनेगा 3 और 2 के बीच में, तो आगे कैपेसिटर बनेगा 3 और 2 के बीच में, तो ये 3 है, ये प्लेट भी 3 ही आएगी, या पॉइंट बना लो अगर आपको कुछ भी डाउट है तो पॉइंट बना लो। वैसे मैं दूसरी तरीके से बता देता हूँ, देखो इसमें ये पॉइंट बनाए ना 1 2 3, तो एक पॉइंट बना लो 1, एक पॉइंट बना लो 3, और एक पॉइंट बना लो 2। अपने को इक्विवेलेंट ए और सी के बीच में चाहिए, ए और सी को 1 और 2 माना गया है। अब एक कैपेसिटर लगाओ 1 और 3 के बीच में, तो 1 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर लगा दिया, सी मान लिया। एक कैपेसिटर लगाओ 3 और 2 के बीच में, एक कैपेसिटर लगाओ 3 और 2 के बीच में, एक कैपेसिटर लगाओ फिर से 2 और 3 के बीच में, एक कैपेसिटर लगाओ फिर से 2 और 3 के बीच में, बच्चों ये टोटल कैपेसिटेंस आ गया। तो 1 और 2 के बीच में बताओ ये सी और सी पैरेलल में 2C हो जाएगा, ये 2C और सी सीरीज में, 2C और सी सीरीज में 2C इंटू सी अपॉन 2C प्लस सी, यानी ये आ जाएगा 2C/3। तो 2C/3 ये अपने पास आंसर आ जाएगा, यानी 2/3 एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, ये आंसर आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 2/3 एप्सिलॉन नॉट बाय डी इंटू ए, ए एरिया है बच्चों, तो एरिया की वैल्यू आएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया आ जाएगा हमारे पास 2 × 3/2, 2 × 3/2 सेंटीमीटर है, अपने को वैसे भी इंटीजर में चाहिए इसलिए मैं यूनिट कन्वर्ट कर नहीं रहा हूँ, तो एरिया आ जाएगा 3 के बराबर, तो एरिया आ जाएगा 3 के बराबर, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी कि 2 ε₀, यानी x की वैल्यू 2 आ जाएगी बच्चों यहाँ से, 2 ε₀/d, तो x ε₀/2, x की वैल्यू 2 यहाँ पे आ जाएगी, वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th की तरफ आ जाते हैं। बताइए 5th क्वेश्चन में बोला गया है रेडियस इन किलोमीटर्स टू विच द प्रेजेंट रेडियस शुड बी कंप्रेस्ड, एस्केप वेलोसिटी 10 गुनी करनी है। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला होता था
रूट टू जी एम बाय आर, यानी एस्केप वेलोसिटी रूट आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वी वन बाय वी टू की वैल्यू आ जाएगी रूट आर टू बाय आर वन। पहले एस्केप वेलोसिटी वी वन थी, बाद में एस्केप वेलोसिटी 10 गुनी हो गई, ऐसा बोला हुआ है। बाद में रेडियस कितना हो गया नहीं पता, लेकिन पहले रेडियस कितना था, आर था, ये पता है हमें। तो स्क्वायर करोगे वी वन से वी वन कैंसिल, स्क्वायर करोगे तो 1/100 बराबर आर टू बाय आर, आर की वैल्यू आ जाएगी आर टू, आर की वैल्यू आ जाएगी आर बाय हंड्रेड, है ना, आर टू की वैल्यू आ जाएगी आर बाय हंड्रेड। आर टू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर बाय हंड्रेड, पहले रेडियस आर थी, आर कितनी है 6400, तो 6400 को 100 से डिवाइड करोगे यानी कि 64 आंसर आ जाएगा। बाद में रेडियस इन किलोमीटर्स कितनी हो जाएगी, बाद में रेडियस इन किलोमीटर 64 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। बताइए सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि दो मासेस दिए हुए हैं, इनके टी बी बाई टी ए अगर रूट एक्स है तो एक्स की वैल्यू, सीरीज पैरेलल स्प्रिंग का क्वेश्चन, बताओ इसका टाइम पीरियड कितना आ जाएगा। टी ए इसका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k, है ना। ये दोनों स्प्रिंग आपन को दिख रही होंगी सीरीज में, और सीरीज में अगर ये के है, ये के है, तो सीरीज में स्प्रिंग कांस्टेंट वो अपन 1/k1 + 1/k2 देखते थे, तो 1/k + 1/k यानी 2/k आएगा, इसका उल्टा करोगे तो वो k/2 बन जाएगा। तो इसके लिए स्प्रिंग कांस्टेंट है k/2, टाइम पीरियड आ जाएगा 2π√m/k/2। तो ये पहला टाइम पीरियड था, दूसरा टाइम पीरियड कितना है 2π√2m/k, 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, है ना, m/k से m/k कैंसिल हो जाएगा, तो टी ए बाय टी बी की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। टी ए बाई टी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/√2। अपने को टी बी बाई टी ए पूछा हुआ है, इसका अपोजिट कर दोगे तो टी बी बाई टी ए उसकी वैल्यू आ जाएगी √2, यानी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2। इंटीरियर टाइप क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू 2, यही आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, सिक्स्थ के आगे क्वेश्चन नंबर सेवन्थ पे आते हैं। बताइए सेवन्थ क्वेश्चन में बोला हुआ है, रोटेशन का क्वेश्चन है, द बॉडी विच विल रीच फर्स्ट, सबसे पहले बॉडी नीचे, कौन सी बॉडी नीचे पहुंचेगी ये अपने को बताना है। बच्चों नीचे पहुंचने का जो टाइम होता था वो होता था 1/sin θ √2h/g, ये टाइम कब होता था, ट्रांसलेशनल मोशन में, जब फिसलते हुए ऑब्जेक्ट नीचे आता है। और अगर रोलिंग में इसको बदलना है तो रोलिंग के समय टाइम पीरियड 1/sin θ √2h/g, और जी को डिवाइड करते थे 1+k²/r², वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1+k²/r². बच्चों ये रोलिंग का टाइम पीरियड होता है, डायरेक्टली जहाँ जहाँ जी दिख रहा है जी को डिवाइड कर दो 1+k²/r² से अपन को रोलिंग का टाइम मिल जाएगा। अब इसमें क्या बोला है, विच विल रीच फर्स्ट, जो सबसे पहले पहुँचेगी उसको टाइम सबसे कम लगना चाहिए। बच्चों टाइम सबसे कम लगने का मतलब बाकी सब चीज़ें सेम है, ये k²/r² को मिनिमम होना चाहिए, k²/r² को मिनिमम होना चाहिए। तो एक रिंग दे रखी है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है mr², mr² के आगे जो नंबर है 1, यही k²/r² होता है, तो इसका k²/r² 1 है। अच्छा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 mr², तो इसका k²/r² कितना है 1/2, है ना, 1/2 मतलब 0.5 वो डिस्क का। सॉलिड सिलेंडर, बच्चों सॉलिड सिलेंडर डिस्क के जैसा ही मानते हैं अपन, तो इसका भी mr² और 1/2 आ जाएगा, तो यानी कि ये वापस से क्या आ जाएगा, सॉलिड सिलेंडर और डिस्क तो सेम ही है तो ये दोनों हो नहीं सकते। सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर होता बच्चों 2/5 mr², 2/5 mr² का मतलब हो जाता है ये 2/5 है k²/r² और ये 0.4 होता है, तो ये 0.4 है, इसके लिए k²/r² 0.4, इसके लिए 0.5, इसके लिए भी 0.5, इसके लिए 1, तो k²/r² सबसे छोटा है सॉलिड स्फीयर के लिए, इसका टाइम सबसे कम लगेगा, ये सबसे पहले नीचे आएगा, फोर्थ ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 8th पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8th में बोला गया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस 14 है, चार्ज किया गया है वी से, तो बताइए इसकी शुरुआत में एनर्जी क्या हाफ सी वी स्क्वायर होगी। हाफ सी की वैल्यू 14 पीको में आ रही है इंटू वी का स्क्वायर, वी का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 7, तो 144 इंटू 7 कितना हो जाएगा, कर लो सॉल्व 144 इंटू 7, तो 7 फोर जा कितना हो जाएगा 28, 7 फोर जा 28 तो 30, तो 1008 पीको जूल में एनर्जी आ गई, क्योंकि पीको जूल में ही चाहिए, ये शुरुआत की एनर्जी। अब पूछा क्या है वो पढ़ लेते हैं, द चार्जिंग बैटरी इज नाउ डिसकनेक्टेड। अब बच्चों बैटरी हटा ली, अगर बैटरी हटा लेते हैं तो बताइए मेरे को कि बैटरी हटाने पे चार्ज कांस्टेंट हो जाता है, बैटरी हटाने पे चार्ज कांस्टेंट होता है, तो चार्ज पहले कितना था सी वी था, चार्ज बाद में भी सी वी रहेगा, बाद में एनर्जी आ जाएगी क्यू स्क्वायर बाय टू सी, और सी की जगह के सी लिखना पड़ेगा क्योंकि डायलैक्ट्रिक इंसर्ट किया है। क्यू स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती, क्यू की वैल्यू होती है सी इंटू वी, क्यू स्क्वायर की वैल्यू सी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय टू सी और के, बताओ सी से सी कैंसिल हो गया, क्या बाद में एनर्जी दिख रही है सी वी स्क्वायर बाय टू और के से और डिवाइड कर दिया, सी वी स्क्वायर बाय टू की वैल्यू तो ये थी ही, इसको बस के से डिवाइड और करना पड़ेगा, अगर इसको के से डिवाइड करोगे मतलब इसको 7 से डिवाइड करोगे तो 144 को 7 से मल्टीप्लाई किया था तब 1008 आया था, इसको 7 से डिवाइड करोगे तो वापस से 144 ही आ जाएगा, समझ रहे हो गया, फाइनल एनर्जी सी वी स्क्वायर बाय टू और के भी आ रहा है तो फाइनल एनर्जी 144 हो गई। अब इसमें के 7 डाला हुआ है वो अपन ने देख लिया है, द प्लेट वुड ऑसिलेट बैक एंड फोर्थ बिटवीन द प्लेट्स विद कॉन्स्टेंट मैकेनिकल एनर्जी, तो अब इन प्लेट्स के पास कितनी एनर्जी रह गई होगी, देखिए पहले कितनी एनर्जी थी 1008 थी, बाद में कितनी थी 144 माइनस कर दीजिए इसमें से, बस इतनी ही एनर्जी से ऑसिलेट करता रहेगा, यही हमारा आंसर आ जाएगा, तो 1008 में से 144 माइनस करना है, 8 में से 4 माइनस किया 4, 10 में से 4 माइनस किया 6, 9 में से 1 माइनस किया 8, तो 864 पीको जूल जो एनर्जी है चेंज इन एनर्जी, वही एनर्जी से ये क्या करने लग जाएगा, ऑसिलेट करने लग जाएगा, ठीक है यही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9th में आपसे क्या बोला गया है कि 0.5 ये ऊपर वाला मास आपको कितना दिया गया है 0.5 किलोग्राम का, नीचे वाला मास कितना दिया गया है 4.5 किलोग्राम का, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स 3/7 है, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड ऑन लार्जर ब्लॉक सो दैट ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। बच्चों इसका डायरेक्टली फॉर्मूला होता था कि म्यू वन प्लस म्यू टू एम वन प्लस एम टू इंटू जी, सॉल्व भी कर सकते हो बट स्टैंडर्ड केस है, अगर दो ब्लॉक्स में से नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स पूछा जाए तो ये फॉर्मूला है म्यू वन प्लस म्यू टू एम वन प्लस एम टू इंटू जी, तो म्यू वन प्लस म्यू टू, तो म्यू वन प्लस म्यू टू की वैल्यू 3/7 है, म्यू वन प्लस म्यू टू मतलब दोनों सर्फेसेज में म्यू का एडिशन तो 3/7 है, एम वन प्लस एम टू की वैल्यू 5 आ जाएगी और जी की वैल्यू 9.8 है, जी की वैल्यू आ जाएगी 9.8 के बराबर, तो 7 से इसको कैंसिल करोगे 7 बन जा 7 आ जाएगा 7 1.4 आ जाएगा, ठीक है 5 को 1.4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 जा 20 7.0 आ जाएगा, और 7 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 21 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21 न्यूटन, ठीक है डायरेक्टली फॉर्मूला है, आप कंसेप्ट भी लगाओगे तब भी यही आंसर आएगा। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, तो लास्ट क्वेश्चन आया है क्वेश्चन नंबर 10th, 10th क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि 2.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 न्यूटन एवरेज फोर्स लाइट लगा रही है नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे, एरिया दिया हुआ है आपको, 40 मिनट्स का टाइम दिया हुआ है, एनर्जी फ्लक्स आपको निकालना है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, है ना, तो रेडिएशन प्रेशर वो आई बाई सी होता था, अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती तो 2i/c और नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो i/c, प्रेशर को आप फोर्स अपॉन एरिया लिख सकते थे और वो i/c के बराबर आ जाएगी।
इंटेंसिटी होती थी, इंटेंसिटी होती थी यही होती थी वॉट पर मीटर स्क्वायर में, है ना। तो अपने को इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी एफ इंटू सी बाई ए, इंटेंसिटी की वैल्यू एफ इंटू सी बाई ए आ जाएगी। फोर्स दिया हुआ है 2.5 × 10⁻⁶, फोर्स दिया है 2.5 × 10⁻⁶, और सी की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸। और एरिया आपको दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, 30 रहने दीजिए ताकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाए। बच्चों 3 से ये 3 कैंसिल हो गया और यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ये 2.5 तो 2.5 है, और ये 0 जब ऊपर आएगा तो ये 10⁷ हो जाएगा, 10⁷ और 10⁻⁶ यानी × 10 हो जाएगा, यानी 25, यानी 25 ही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों जेई मेंस में 2021 में मार्च अटेम्प्ट में 17 मार्च का मॉर्निंग शिफ्ट का जो पहला पेपर है उसके सॉल्यूशन आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। बच्चों पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।